वेरी गुड इवनिंग एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बाई स्टडी चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस आप सभी लोग जानते हैं कि एस एस सी का जो एग्जामिनेशन अभी हुआ था अभी लेटेस्ट वाला जो पेपर हुआ है वो तो आपका सी एच एस एल हुआ है उससे पहले आपने सी जी एल का पेपर दिया था और फिर सी जी एल का जो मेन्स है वो भी अभी रिसेंटली एग्जाम को कंडक्ट किया गया था तो यहाँ पर आपके लिए एस एस ने एक नोटिस को रिलीज किया है तो आइए जरा जान लेते हैं कि एक्चुअल में इस नोटिस के अंदर क्या बताया गया है और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर मेंशन किए गए हैं आप सभी लोगों को सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन उनपे तो फोकस करना ही करना है बट बाकी स्टूडेंट को भी ये पता चल जाए इसके लिए एक बार इसे लिंक को शेयर कर दीजिएगा आइए जरा जानते हैं कि यहाँ पे जो नोटिस है वो क्या आया है सबसे पहला पॉइंट कि सी ने ये जो नोटिस रिलीज किया है ये आया है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन यानी कि सीजीएल का जो पेपर 2022 वाला कंडक्ट किया गया था उसके रिगार्डिंग इस नोटिस को रिलीज किया गया जिन भी बच्चों ने टीआर का एग्जाम दिया था यानी कि जो प्रिलिम्स वाला एग्जाम दिया था वो क्वालिफाई हो गया प्रिलिम्स एग्जाम के क्वालिफाई होने के बाद में मेन्स होता है और उसी के साथ में प्रिफरेंस भरना होता है किस चीज का प्रेफरेंस तो जैसे कि आप लोग कई बार जब फॉर्म भरते होंगे तो वहां पे लोकेशन का प्रेफरेंस मांगा जाता है फॉर एग्जाम्पल आप लखनऊ में रहते हैं तो आप लखनऊ फिल करेंगे सेकेंड ऑप्शन में फिल करेंगे आप कहीं और रहते हैं तो आप उसको मैंशन करेंगे फिर दूसरा तीसरा चौथा इस तरीके से करके आप प्रेफरेंस को मैंशन करते हो तो यहाँ पे भी वही सेम चीज होती है कि फाइनल वाला यानी कि मेंस का पेपर होने के बाद में आपको यहाँ पे प्रेफरेंस भरने का मौका दिया जाता है बट हर चीज डिजिटलाइज हो रही है तो इस बार जो प्रेफरेंसेस भरने हैं वो भी आपको डिजिटल मोड पे ही भरने पड़ेंगे यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये यह है कि अभी जिन भी बच्चों ने मेंस का पेपर दिया था सीजीएल 2022 का उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है राइट रिजल्ट आने से पहले ही यहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया गया है कि जिन भी बच्चों ने मेंस का पेपर दिया है उन सभी बच्चों के लिए एसएससी की जो वेबसाइट है यानी कि एस एस इस वेबसाइट पे सत्ताईस अप्रैल से लेके फर्स्ट ऑफ मे तक आपके लिए एक फॉर्म अवेलेबल किया जाएगा और उस फॉर्म के अंदर आपको क्या करना है आपको ऑप्शन कम को भरना है आप कहेंगे ठीक है भर देंगे कौन सी बड़ी बात है आधे सोचेंगे ठीक है आखिरी दिन पे जाके भरेंगे हैं जो कि हमेशा हम गलतियां करते हैं बट आपको ये बता दें कि इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि इन केस इन केस आप एक मई तक अगर प्रेफरेंस को नहीं भरते हैं जिन भी बच्चों ने अपना मेंस का एग्जाम दिया है इन केस अगर वो प्रेफरेंस को भरना भूल जाते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि उनको दूसरा चांस मिलेगा ऐसा भी नहीं होगा कि वो वहां पे किसी चीज को लेकर अपील करेंगे ऐसा भी नहीं है कि आपके ग्रिवियां को रिजॉल्व किया जाएगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका आपको देगा तो ये मौका आपके लिए है सत्ताइस से लेके एक तारीख के बीच में आपको क्या करना है वेबसाइट पे जाना है

फाइनल वाली जो मेरिट लिस्ट आएगी उसके अंदर आपको क्या अपना नाम तो मिलेगा ही मिलेगा ओब ही बात है पेपर अच्छा हुआ होगा तो मिलेगा नाम राइट right? लेकिन अगर मान लीजिए आपने प्रेफरेंसेस को फिल नहीं किया है सो इट्स मैंडेटरी आपको क्या करना है प्रेफरेंसेस को यहाँ पे जाके फिलअप करना है सो प्लीज टाइमली इसको फिलअप कर दीजिएगा आधे सोचेंगे मैं अभी जाता हूं, अभी जाता जाके करके आऊंगा नहीं नहीं अभी आपके लिए ये एक्टिव नहीं हुआ है ट्वेंटी सेवन से एक्टिव होगा अभी तो चौबीस तारीख ही ठीक है ठीके? अगला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शन कम प्रेफरेंस बियॉन्ड द डेट यानी कि तारीख के बाद अगर आप जाते हैं प्रेफरेंसेस को फिल करने के लिए Like अपील करिए आप अपना कोई भी रीजन बताइए कि ये रीजन था जिसकी वजह से हम नहीं भर पाए किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा सो इन शॉर्ट आपके लिए ये डेट जो है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपको अपने प्रेफरेंसेस को फिलअप करना है किस चीज के लिए पोस्ट के लिए क्योंकि ये ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर पोस्ट है ठीक है आप कौन सी पोस्ट को प्रेफर कहाँ पे कर रहे हो वन टू थ्री फोर उस हिसाब से आपको करना है ठीक है सो दिस इज अम्पॉर्टेंट न्यूज जो आपके लिए यहाँ पे मैंने शेयर की है प्लीज इसको चेक करिएगा ट्वेंटी सेवेंथ है तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसके अलावा आपको बता दें आप में से जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी एम का पेपर देने जा रहे हैं थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए क्योंकि अब कल से आपकी दो दो स्पेशल क्लासेस चलेंगी एक साढ़े आठ बजे एक शाम को चार बजे दोनों सब्जेक्टिव हैं सुबह पॉलिटी है शाम को हिस्ट्री है और दोपहर में बारह बजे जी के यही यूट्यूब पे रहेगी फाइन अफेयर्स एंसरेंट अफेयर इसके अलावा अगर कि किसी ने बच्चे ने अभी तक पेड बैचेस ज्वाइन नहीं किए आप ज्वाइन कर सकते हैं आज आखिरी दिन है पेड बैचेस को ज्वाइन करने का आप इन फ्यूचर सीजीएल सी एच एस एल एम टी एस एनडीए सी डी एस एनी एग्जामिनेशन आप इसको ज्वाइन कर सकते हो कोड विल बी क्रति प्रति नए बैचेस जो हैं वो उसकी इन्फॉर्मेशन मतलब कौन सी तारीख से क्या क्या चीजें स्टार्ट होंगी वो आपको तो कल पता चल जाएगा बट आज ही से ज्वाइन कर लो ताकि 50 परसेंट अमाउंट जो वो आपका बच जाए लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो रिकॉर्डेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है तो वन वन टू नाइन में वो रिकॉर्डेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है अगेन द को रिस्क डेट ठीक है सो एक लाइव क्लासेस का है जो फर्स्ट मे से स्टार्ट हो जाएंगी एक आपका रिकॉर्डेड क्लासेस का है जो आपका सिक्स मंथ की वैलिडिटी के साथ में रहेगा उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे विद विदिटेन सो होप सो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी मिलते हैं अब आप लोगों से सुबह सात बजे टिल देन सेशन को एक बार शेयर और लाइक करेगा टिल देन बाय केयर